हेलो, मैं डॉक्टर अंकित कुमार जैन, डर्मेटोलॉजिस्ट एंड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन एट प्रिशा स्किन हेयर क्लिनिक भोपाल। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम्स और उनके प्रिवेंशन के लिए, ताकि हेयर लॉस को बेहतर तरीके से बचाया जा सके। हेयर फॉल होता क्यों है? तो सबको अपनी लाइफ में कभी ना कभी हेयर फॉल का सामना करना पड़ता है। ये कई कारणों से हो सकता है। 50 से 100 बाल रोज़ाना गिरना नॉर्मल है, पर अगर यूजुअल से ज़्यादा बाल गिरते हैं तो ये एक कंसर्न हो सकता है। इसके लिए आपको आपके डॉक्टर से मिलना चाहिए। हेयर फॉल के कॉमन कारणों में सबसे कॉमन हेरिडिटरी कारण होता है, या फैमिलियल जिसको हम बोलते हैं, मेल या फीमेल पैटर्न बाल्डनेस। ये सबको लाइफ में फेस करना पड़ता है। किसी को ये लेट एज में स्टार्ट होता है, किसी को ये बहुत अर्ली एज से स्टार्ट हो जाता है, और जिससे जनरली बाल्डनेस आती है। ये मोस्टली हार्मोन्स के कारण होता है, जिसको हम DHT या डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन हार्मोन बोलते हैं। ये रिसेप्टर की सेंसिटिविटी के कारण बाल धीरे धीरे थिक हेयर से थिन हेयर में या टर्मिनल से वेलस हेयर में कन्वर्ट होने लगते हैं, और ग्रेजुअली वहाँ पे एरिया पूरा बाल्ड हो जाता है। डाइट भी हेयर फॉल में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर हमारी डाइट में सफिशिएंट न्यूट्रिशन नहीं है, सफिशिएंट विटामिन्स मिनरल्स नहीं है, तो वो भी हेयर फॉल का कारण बनते हैं। हेयर हमारा मेनली प्रोटीन से बना होता है, तो प्रोटीन इनटेक काफ़ी सफिशिएंट क्वांटिटी में हमें लेना बहुत ज़रूरी है, और आयरन डेफिशिएंसी भी हेयर फॉल का कारण होता है। इसके अलावा कुछ कारण होते हैं, जैसे कि मेडिकल इलनेस का होना। हमारे शरीर में थायराइड, डायबिटीज़, कोई कार्डियक डिसीज़ अगर ये है, तो ये भी अगर कंट्रोल नहीं है तो ये भी हेयर फॉल में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। कई सारी मेडिसिंस भी हेयर फॉल को बढ़ाती हैं, जैसे कैंसर की मेडिकेशन, हाइपरटेंशन की मेडिकेशन, आर्थराइटिस की मेडिकेशन, ये भी हेयर फॉल को बढ़ा सकती हैं। कई बार हमारे शरीर में होने वाले फिजियोलॉजिकल चेंजेस, जो कि जैसे कि फीमेल्स में जो होते हैं प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ या मीनोपॉज, ये भी लाइफ के जो ट्रांजिशन होते हैं, इनमें भी हेयर फॉल कई बार काफ़ी नोटिसेबल होता है। और जो चाइल्ड बर्थ कंट्रोल करने वाली पिल्स होती हैं, जो लोग उनको रेगुलर यूज़ कर रहे होते हैं, अगर वो उसको सडनली स्टॉप कर दें तो उस समय भी हार्मोन्स के फ्लक्चुएशन के कारण हेयर फॉल हो सकता है। इसके अलावा कई इमोशनल या फिजियोलॉजिकल शॉक की स्टेज, जैसे कि घर में किसी की डेथ होना, या बहुत ज़्यादा वेट लॉस कर लेना, या फिर कोई हाई ग्रेड फीवर आ जाना, तो ये सारे भी स्ट्रेस भी बॉडी में कई बार हेयर फॉल कर सकते हैं। कुछ लोगों में कुछ साइकेट्रिक इलनेस होती है कि वो अपने बालों को प्लक करते रहते हैं, इसको ट्राइकोटिलोमिनिया बोलते हैं। इस बीमारी के पेशेंट भी स्कैल्प से, आईब्रोज से या बॉडी के किसी और पार्ट से अपने हेयर्स को प्लक करते हैं, और वो भी हेयर फॉल का कई बार सिग्निफिकेंट कॉज हो सकता है। अब हम बात करने वाले हैं हेयर फॉल किस एज से स्टार्ट होता है। जनरली लोगों का मानना होता है कि हेयर फॉल या बाल्डनेस ओल्ड एज की प्रॉब्लम है, ग्रेजुअली जैसे जैसे एज बढ़ती है हेयर फॉल होने लगता है, बट ये पूरी तरह सही नहीं है। कई ऐसी बीमारियां या कई ऐसे कारण होते हैं जिससे अर्ली फेजेस में भी हेयर फॉल का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि जो हार्मोनल कॉज होते हैं या पैटर्न बाल्डनेस होती है, वो कई बार काफ़ी अर्ली एज में, 20s में भी देखने को मिलती है। इवन कई ऐसी डिसऑर्डर्स या कई ऐसी डेफिशिएंसीज होती हैं जो बच्चों में भी हेयर फॉल का कॉज बनती हैं। तो हेयर फॉल किसी भी एज में हो सकता है, हमें बस उसका सही कारण जानने की ज़रूरत होती है और उसको क्योर करने की ज़रूरत होती है। क्या फूड हैबिट्स भी हेयर फॉल को अफेक्ट करती हैं? तो यस, डेफिनेटली फूड हैबिट्स हेयर फॉल को अफेक्ट करती हैं। बहुत ज़्यादा ऑयली, बहुत ज़्यादा जंक फूड, बहुत हाई कार्बोहाइड्रेट इंटेक, ये सारी फूड हैबिट्स अल्टीमेटली आपके हार्मोन्स को डिस्टर्ब करते हैं, और ये कहीं ना कहीं हेयर फॉल को बढ़ाते हैं। अगर हम बहुत बैलेंस न्यूट्रिशन ले रहे हैं, हम
डाइट ऑयली कम ले रहे हैं, हम जंक फूड कम ले रहे हैं, हम एंटीऑक्सीडेंट रिच डाइट ले रहे हैं, हमारी डाइट में सफिशिएंट विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, तो हेयर फॉल की प्रॉब्लम हमें कम होगी। हम क्या डाइट लें जिससे हेयर फॉल को हम बेटर तरीके से रोक सकते हैं? तो हमें अपनी डाइट में सफिशिएंट फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, विटामिन्स, मिनरल्स, इनका इंटेक लेना है, जो कि हमें हरी पत्तेदार सब्जियों में मिलता है, मौसमी जो फल आते हैं उनमें मिलता है, ड्राई फ्रूट्स में मिलता है, सीड्स में मिलता है, और हमें ओमेगा 3 फैटी एसिड रिच डाइट भी लेनी चाहिए। ये सारी चीज़ें आपके हेयर फॉल को कंट्रोल करने के लिए काफ़ी मददगार होती हैं। तो डेफिनेटली अगर हमें हेयर फॉल का कॉज पता चल जाए तो हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि पैटर्न बाल्डनेस में हमें पता है कि DHT मेन कॉज है हेयर फॉल का, तो DHT ब्लॉकर मेडिकेशन से हम हेयर फॉल को रोक सकते हैं। इसके अलावा न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी अगर हमारी शरीर में है तो हम न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स के थ्रू हेयर फॉल को रोक सकते हैं। अगर कोई स्ट्रेस कंडीशन है तो हम अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस लाके हम अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल को इंक्लूड करके हम हेयर फॉल को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर शरीर में कोई मेडिकल प्रॉब्लम चल रही है तो स्पेसिफिक कंसल्टेंट से डिस्कस कर उसकी मेडिसिन स्टार्ट करके हम बॉडी को हार्मनी में लाके वापस हेयर फॉल को रोक सकते हैं। तो जो भी हेयर फॉल का कॉज है, अगर हम उसको प्रॉपर तरीके से एड्रेस करें तो हेयर फॉल को रोका जा सकता है। अगला पॉइंट जो हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या होम रेमेडीज़ बेटर हैं या फिर किसी स्किन स्पेशलिस्ट की सलाह बेटर है हेयर फॉल को रोकने के लिए। तो होम रेमेडीज़ हमेशा काफ़ी अच्छी होती हैं, आपको हेयर फॉल को रोकने के लिए काफ़ी सपोर्ट करती हैं, ये नेचुरल होती हैं, डेफिनेटली ये काफ़ी अच्छी होती हैं आपके हेयर फॉल को रोकने के लिए। पर कभी कभी ऐसा होता है कि आप सारा कुछ होम रेमेडीज़ ट्राई करते हो उसके बाद भी आपका हेयर फॉल नहीं रुकता है, उस समय आपको एक स्पेशलिस्ट की सलाह ज़रूर लेनी चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप उस कॉज को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हो तो आपके डर्मेटोलॉजिस्ट उस कॉज को आइडेंटिफाई करने में आपकी हेल्प करते हैं, आपको वो प्रॉपर डाइट का गाइड करते हैं, आपको प्रॉपर लाइफस्टाइल के लिए गाइड करते हैं जो आपके हेयर कंट्रोल के लिए ज़रूरी है, आपके हेयर केयर प्रोडक्ट, हेयर केयर रिजीम में भी वो काफ़ी सिलेक्शन में आपको हेल्प करते हैं। इसके अलावा अगर कोई बीमारी होती है आपके स्कैल्प में तो वो उसको भी ट्रीट करने के लिए आपको मेडिसिंस प्रिस्क्राइब करते हैं। अदर देन दैट आपको कोई इंटरनल प्रॉब्लम होती है तो वो भी वो डिटेक्ट करके आपको एक कंसर्न स्पेशलिस्ट के लिए आपको रेफ़र कर सकते हैं। तो ओवरऑल आपके डर्मेटोलॉजिस्ट आपको आपके हेयर फॉल से फाइट करने के लिए काफ़ी मदद कर सकते हैं। तो आज का ये सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको हेयर से रिलेटेड कुछ जानकारी चाहिए, आपको कोई हेयर प्रॉब्लम हो रही है और आपको उसका कुछ ट्रीटमेंट डिस्कस करना है, या आपकी कुछ भी क्वेरीज हैं हेयर से रिलेटेड, तो आप कमेंट करके नीचे पूछ सकते हैं, हम वहाँ पे आपको जल्द से जल्द आंसर करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा हम ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम डालते रहेंगे, उसको आप देखिए और आपको उसमें काफ़ी कुछ जानकारी मिलेगी। तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस पे कई ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस इन फ्यूचर अपलोड होंगे जिससे आपको हेयर, हेयर रिलेटेड डिसीज़ेस और हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड भी काफ़ी कुछ जानकारी मिलेगी।